एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं। सो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, हमें ऑलवेज जो इक्वेशन गिवन रहेंगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होंगी। सो हमें यहाँ से एम और एन को कंपेयर करना है और एम को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और चेक करना है कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स हो रहा है या नहीं। अगर होता है इक्वल टू, सो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस हमारी सेटिस्फाई होती है और सेटिस्फाई होने के बाद हम जो जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं सो उसे फिर यहाँ पर रखते हैं इस इक्वेशन में और उसे सॉल्व करते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से हम एम एंड एन को कंपेयर करते हैं और हमारा एम जो है वो एम इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस टू एंड एन एक्स माइनस वाई प्लस फोर। अब हमारी जो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस है इसमें डेल एम बाई डेल वाई है, मीन्स एम जो है वो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है और एन जो है वो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है। सो हम जो हमारा एम है इसे वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और एन को एक्स के रेस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू वाई डेल एम बाय डेल वाई, यहाँ पर हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं सो x और 2 जो है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा सो इनका डिफरेंशिएशन 0 होगा और सिर्फ y जो है उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। सो डेल m बाई डेल y इज 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू x डेल एन बाई डेल एक्स सेम, यहाँ पर भी हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं सो y और 4 जो है हमारा कांस्टेंट होगा और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x सिर्फ 1 होगा। सो हमारा यहाँ पर डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल एन बाई डेल x हो रहा है बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 1। सो डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स एंड कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाइड। सो अवर जनरल सॉल्यूशन जी एस वाई कॉन्स्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म इन एन फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई इक्वल टू सी। सो हमारा एम जो है एक्स प्लस वाई माइनस टू, यहाँ पर वाई कॉन्स्टेंट होगा x प्लस वाई माइनस टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म इन n फ्री फ्रॉम x, जो n में टर्म्स है वो फ्री होना चाहिए x से। सो यहाँ पर x की टर्म सिर्फ एक ही है सो इससे फ्री होगा सो रिमेनिंग पार्ट हमारा माइनस वाई प्लस फोर। सो हम इसे फोर माइनस वाई लिखते हैं डी वाई, मीन्स यहाँ पर जो है x की एक भी टर्म नहीं होनी चाहिए c। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं x dx। अब यहाँ पर जो है y कांस्टेंट है सो ये इंटीग्रल के बाहर हो जाएगा तो 1 dx सेम एज 2 यहाँ पर भी कांस्टेंट है सो 2 भी बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस यहाँ पर भी 4 कांस्टेंट है सो इंटीग्रेशन ऑफ 1
रिस्पेक्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ y dy इक्वल टू c, सो इंटीग्रेशन ऑफ x x स्क्वायर बाय टू एंड इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन इज x माइनस टू एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन x सेम 4y माइनस एंड इंटीग्रेशन ऑफ y y स्क्वायर बाय टू इक्वल टू c, सो दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन.